अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें कुवैत की कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आपको ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट निकल कर रही है वंदे भारत मिशन के तहत। जैसे कि आपको मालूम है, अभी अलग अलग कंट्रियों से जो है वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग जो है लाए जा रहे हैं, और इसी तरह से जुलाई 5 जुलाई में जो है जो कुछ लोग लाए गए हैं, जिसमें कि मैं आपको तादाद बता देता हूँ कितने लोग लाए गए हैं वंदे भारत मिशन के तहत। लाए गए हैं 3,631 लोग, अलग अलग कंट्रियों से लाए गए हैं। अगर आप भी किसी कंट्री में रहते हैं तो इंशाल्लाह आपका भी जल्दी ही नंबर आ जाएगा, अगर आप आना चाहते हैं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, अगली अपडेट आ रही है जो कुवैत से डिपोर्ट किए जा रहे हैं रोज़ाना के बेस पे लोग, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में रोज़ाना तकरीबन 5 से 10 हज़ार लोग जो है अलग अलग कंट्रियों के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन आज की डेट में हम बात करते हैं तो आज की डेट में 5,285 लोगों को जो है डिपोर्ट किया जाएगा, और ये जो सारे लोग जाएंगे 8 कंट्री के लिए जाएंगे, अलग अलग कंट्री के लिए जाएंगे। अगर आप भी किसी कंट्री जाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपका भी जल्दी ही इसमें भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी बड़ी मात्रा में जो कुवैत के अंदर इंडियन लोग रहते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, फिलीपींस और ये मिस्र वगैरह, इन कंट्रियों के काफ़ी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। तो 8 कंट्रियों के लिए आज फ्लाइट है कुवैत से निकलेंगी। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। काफ़ी ज़्यादा लोग जो कंफ्यूज थे, मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था कितने लोगों को जो है एक बिल पास किया गया है कैबिनेट में, तो कितने लोगों को जो है वो कुवैत के अंदर रखा जाएगा, किस कंट्री के लिए कितने लोगों को रखा जाएगा, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही थी। उसमें मैं आपको बता देता हूँ मोटी मोटी बात, इंडिया के जो लोग हैं वो 10 लाख के करीब इंडिया के लोग रहेंगे कुवैत के अंदर काम करने वाले वर्कर, और ये मान के चलिएगा 15%, यानी कि 15% जितनी कुवैत की आबादी है उसके 15% जो है कुवैत में इंडिया के लोग रहेंगे। अगली बात कर लेते हैं, जैसे मिस्र, फिलीपीन, इनकी बात कर लेते हैं तो इनके रहेंगे 10%, यानी कि इनके 5 लाख के करीब जो लोग रहेंगे और ये जो है 10% रहेंगे, यानी कि जो भी कुवैत की आबादी है उनके बराबर 10% रहेंगे। तो ये आपको अब समझ में आ रहा होगा किस तरह से कितने लोग रहेंगे। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, तो ये जो रहेंगे 3% रहेंगे, ठीक है। तो इनके हम बात करें तो ये तकरीबन आपका आएगा 25,000 के करीब आएगा, और बाकी जो अलग लोग हैं वो अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग हिसाब से लगाए हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा कंट्री हैं 3 है, इनकी बड़ी तादाद है तो इनका जो है बता दिया गया है। अब जैसे ही इसके हिसाब से कोई भी अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपसे कोई भी अपडेट जो है मिस ना हो पाए। और ये जो है बड़ी तादाद थी, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे भाई हमें निकाला जाएगा क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो है सारा काम जो है 18 महीने के अंदर किया जाएगा, और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है लोगों को भी निकाला जा रहा है कुवैत से, और जो खास करके इलीगल तरीके से उनको ज़्यादा उन पर ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप कहीं भी काम करने के लिए जाते हैं तो आप अपना सिविल आईडी अपने पास ज़रूर लेके जाइए, और क्योंकि बिना सिविल आईडी के आप बाहर निकलेंगे तो आपको पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा और आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको तुरंत रिपोर्ट किया जाएगा। तो बिना सिविल आईडी के बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगर बस में भी आप जाते हैं तो बसें भी रोक रोक के तरह तरह से चेक इन किए जा रहे हैं, और आपकी सिविल आईडी सारी चीज़ आपसे जो है इंक्वायरी की जाएगी। और ये जो चीज़ है अच्छी है कि उनका लोग जो है बेरोज़गार जो इलीगल तरीके से रहते थे लोग, उनको बड़ी प्रॉब्लम आती थी, लोगों को सैलरी नहीं मिलती थी, ये सारा काम सही हो रहा है और कुवैत सरकार बिल्कुल सही कर रही है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलें किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी गुड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।